हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आज देखो अभी तो फिलहाल नहा धो करके तैयार हो गए हैं और अब चलेंगे अपन जगदीश महाराज के। तो एक बार पहले भी गया हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप भी हमारे साथ साथ दर्शन करना जगदीश महाराज के। तो वहाँ पर प्रसिद्ध है, वो चीज़ भी दिखाऊँगा आपको और बहुत ही शानदार जगह है। तो फिर अभी निकलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों फिलहाल देखो हम अभी पहुँच गए हैं जगदीश महाराज के गोनेर, और अभी चलेंगे और मंदिर पे दर्शन करवाते हैं। और गोनेर अपने जयपुर से करीबन 25 किलोमीटर दूर है, तो आराम से आ सकते हैं। और लो फ्लोर बस आती है सीधी यहाँ पर जगदीश महाराज जी के दर्शन करने के लिए। वो देखो अभी तो बहुत अच्छा बना दिया है यहाँ पर, बढ़िया रोड बना दिए। और देखो आगे दिखाते हैं सुंदरता पेड़ों की। और मेरे बैक साइड में देखो आप बहुत सारे पेड़ उग रखे हैं। और देखो ये तालाब था पूरा जो कि यहाँ सूख गया पूरा। और अभी आगे से दिखाता हूँ मैं थोड़ा चल करके। तो देखो ये तालाब है और ये सूख कर कितना सा रह गया है, बिल्कुल बहुत ही कम पानी रह गया है यहाँ पर। देखा वो था जगदीश महाराज का मंदिर, और आपको भी मैंने दर्शन करा दिए जगदीश महाराज के। तो हम वापस से चलते हैं बाहर के साइड में। ये था मंदिर परिसर पूरा। तो दोस्तों यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है मालपुए, खीर और दाल, तो बहुत ही स्वादिष्ट शानदार बनते हैं। तो वहाँ से चल करके और कुछ लेके आते हैं अपन मालपुए वगैरह। तो चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों ये थे यहाँ के मालपुए, बहुत ही शानदार। और देखो ये है मिर्ची के टिपोरे, और ये है खीर, और ये है दाल। और दोस्तों ये देखो ये पुए बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये पुए बनाने के लिए देखो आटे का घोल लगता है, आटे का घोल मिला करके इसमें चीनी डाल करके और फिर बनते हैं पुए। तो ये अपने हलवाई साहब हैं जो कर रहे हैं तैयार। देखो इन पुओं को ये घोल डाल दिया इन्होंने, और इसको सेकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इसकी सिकाई हो रही है, सिकाई हो रही है भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब लगते हैं खाने में। तो आप वैसे तो आपने खाए हुए होंगे, लेकिन जो गोनेर के मालपुए हैं उनकी कुछ अलग ही बात है। तो यहाँ से लोग कई जो आते हैं वो पैक करा के ज़रूर लेके जाते हैं। ये देखो वैसे ये बन के तैयार हो गए मालपुए, और ये दो वेराइटी में मिलते हैं, तेल के मिल जाएंगे और देसी घी के मिल जाएंगे। तो तेल के तो करीबन 80 रुपये किलो है और देसी घी के 250। तो दोस्तों फिलहाल देखो अभी पहुंच गए हैं घर, और फिलहाल इस व्लॉग का यहीं करेंगे एंड, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय दोस्तों, मिलेंगे वापस जल्दी इसी व्लॉग में।